हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन माइक्रोवेव में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपके पास नए अपलोड्स आते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ ले लिया है फुल चिकन। तो अब हम इसके लिए मसाला रेडी करेंगे। मसाले के लिए हमने यहाँ लिया है एक बड़ा चम्मच दही, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच तीखी लाल मिर्च, एक चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच भर के तंदूरी चिकन मसाला, आधा नींबू का रस, आधी चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच अजवाइन, दो पिंच फूड कलर, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच जीरा पाउडर और तेल। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इस पेस्ट को चिकन के ऊपर लगाएंगे। कट के अंदर भी मसाला अच्छे से भरना है और एक घंटे तक रख देना है। जितनी देर मसाला चिकन के अंदर रहेगा चिकन उतना ही अच्छा गलेगा। आप सभी 4 से 5 घंटे तक भी छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ 1 घंटे तक इसको रखा है। हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है। अब हम चिकन को माइक्रोवेव करेंगे। हमने एक कंटेनर पे घी लगा लिया है और चिकन को अच्छे से रख देंगे। जहां से मसाला उतर गया है हम ऊपर से थोड़ा बहुत मसाला और लगा देंगे। साइड बाय साइड टर्नओवर करके हमको इसको पकाना है। हमने चिकन को 5 मिनट तक माइक्रो करा था और अभी हमने कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री में 15 मिनट तक इसको सेका है, पर ये अभी भी कच्चा है तो हम इसको वापस 15 मिनट तक सेकेंगे। तो अब हमारा तंदूरी चिकन बिल्कुल रेडी है। तो आप भी बनाइए और खाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों का तंदूरी चिकन कैसा बना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास नए अपलोड्स आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।